हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आपसे एक अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज बात करेंगे अपन सीआरओ यूएनडीपी से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर के बारे में, जो कि अभी सीआरओ से निकलकर आ रही है सीआरओ यूएनडीपी से। क्या है यह बड़ी खबर, अपन जान लेते हैं वीडियो के आगे, और जो कि अपन चलेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर और जानेंगे कि वो क्या खबर है। और जो कि यह खबर निकल कर आ रही है क्रिप्टो न्यूज वेबसाइट की तरफ से। तो अपन चलते हैं अब सीधा अपने मोबाइल स्क्रीन पर और जान लेते हैं उस खबर के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं कि अपन आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और यहां पर देख सकते हैं कि मैं जो कि आपको बताने वाला हूं, जो इंग्लिश में दिया गया है इसका हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा कि यह जो कि हिंदी इंग्लिश में दिया गया है इसका हिंदी में क्या अर्थ है, पूरा मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा, इसको कन्वर्ट करके बताऊंगा हिंदी में। तो यहां पर मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और अब अपन बात करते हैं इसको हिंदी में अनुवाद करने की। तो यहां पर क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन क्या है, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं व्हाट इज द क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन। यहां पर क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन एक ब्लॉकचेन कंपनी है जो न केवल विशेषज्ञों से बनी है बल्कि आईटीआई और डिजिटल संपत्ति में उच्चतम क्षमता वाले डेवलपर्स से बनी है। इन्होंने ईओएसआईओ पर निर्मित सॉफ्टवेयर बनाया है जो एक नए क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन अर्थ्रेड की नींव है, जो विकेंद्रीकरण वित्त वास्तविक अर्थव्यवस्था डीईएफआई से जोड़ने वाले अनुप्रयोग ऊर्ध्वाधर और क्षेत्र स्केलिंग की अनुमति देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक इमेज भी डली हुई है, क्रिप्टो यूनिट लिस्टिंग ऑन P2P B2P। यहाँ पर सीआरओ का आपको लोगो भी देखने को मिल जाएगा, क्रिप्टो यूनिट देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर आगे भी बताऊंगा इसका हिंदी में अनुवाद करके। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर दिया गया है, क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन मार्च 2021 से 7200 घंटे 7200 घंटे से अधिक समय से निर्बित रूप से काम कर रहा है, जब उसने सीआरओ और यूएनडीपी जारी करना शुरू किया तब इनमें यहाँ पर देख सकते हो कि इतना वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन इससे अधिक वर्चुअल वॉलेट से माध्यम से 175 से अधिक देशों ने उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी उपयोगिता की वैश्विक नीति साबित की है। 10.5 बिलियन से अधिक सीआरओ टोकन और 8.1 बिलियन से अधिक यूएनडीपी टोकन जारी किए हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। यहां पर जो सीआरओ टोकन है 10.5% यहां पर टोकन जारी किए हैं, एंड यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जो यूएनडीपी टोकन है वो 8.1% यहां पर टोकन जारी किए हैं। यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं व्हाट मेक इट स्पेशल, क्या इन्हें स्पेशल बनाता है, क्या खास बनाता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन उपयोगकर्ता ना केवल मंच पर व्यवसाय खाते बना रहे हैं बल्कि कई व्यवसाय खाते बना रहे हैं बल्कि पहले से ही कई तकनीकी और उपयोग अपने स्वयं के व्यवसाय स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। इसमें इनमें दो प्रकार के ब्लॉकचेन आधारित टोकन है, सीआरओ और यूएनडीपी। यहाँ पर देख सकते दो प्रकार के यहाँ पर आधारित टोकन है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीआरओ एंड यूएनडीपी। और यहाँ पर वे टोकन किसी के भी स्वामित्व और धार के लिए किए जा सकती है, मतलब यह जो टोकन है किसी व्यक्ति द्वारा धारण किए जा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो यूएनडीपी का पूरा यहाँ पर वर्णन दिया गया है। यूएनडीपी पर आप क्लिक करोगे तो यूएनडीपी की वेबसाइट पर पहुँचाओगे, और यहाँ पर सीआरओ पर क्लिक करोगे तो सीआरओ के बारे में पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर यहाँ पर जो कि वेबसाइट है पूरा आपको करके बताएगी। यहाँ पर मैं आपको यूएनडीपी के बारे में थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ, यूएनडीपी उपयोगकर्ता टोकन ब्लॉकचेन पर काम करने के लिए बनाया गया है एक सिस्टम टोकन है। उपयोगकर्ता इसका उपयोग क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर लेनदेन के लिए बाहरी एक्सचेंज पर कमीशन का भुगतान करने और नए सिक्कों और टोकन जारी करने के लिए कर सकती है। मतलब जो यूएनडीपी का यहाँ पर उपयोग है वो यहाँ पर दिया गया है कि यूएनडीपी टोकन ब्लॉकचेन पर काम करने के लिए बनाया गया है सिस्टम टोकन है। उपयोगकर्ता इसको उपयोग क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर लेनदेन के लिए बाहरी एक्सचेंज पर कमीशन का भुगतान करने के लिए नए सिक्के और टोकन जारी करने के लिए कर सकता है। और यहाँ पर देख सकते हो जो कि यूएनडीपी का यहाँ पर यूज है, और यहाँ पर सीआरओ का भी यूज दिया गया है। तो यहाँ पर सीआरओ का जो यूज है वो मैं आपको बता देता हूँ, सीआरओ समय टोकन ग्राहकों को धन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती हैं ताकि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार धन प्राप्त कर सकें। स्टार्टअप एक नए व्यवसाय मौजूदा व्यवसाय या सब्सिडियरी के साथ मौजूदा व्यवसाय विकसित करने के लिए बिल्कुल सही है, जब
भी आप एक ब्लॉकचेन आधारित व्यक्तिगत व्यवसाय खाता खरीदते हैं तो आपके पास एक स्वयं के टोकन जारी करने और कानूनी आवश्यकताओं की अनुपालन के अनुपालन में रिकॉर्ड रखने का विकल्प होता है। इसलिए अतिरिक्त सीआरयू यहाँ पर देख सकते हो, अतिरिक्त सीआरयू और का उपयोग दाव लगाने के बदले तकनीकी टोकन प्राप्त करने और अंकित मूल्य का संतुलित खरीदने के लिए भी किया जा सकता है। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखने को मिल जाए, सून क्रिप्टो करेंसी विल बी अवेलेबल टू ट्रेडिंग ऑन द P2P एंड B2P एक्सचेंज ज्वाइन द प्रोजेक्ट कम्युनिटी नाउ द ऐप और पेपर। यहाँ पर देख सकते हो, जो इसका मतलब है जल्द ही क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन P2P B2P एक्सचेंज पर ट्रेड के लिए उपलब्ध होंगे, जो कि यह है CRU एंड UNT भी जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है कि P2P एंड B2P एक्सचेंज पर लिस्टिंग होंगे। और यहाँ पर देख सकते हो, परियोजना के समुदाय में अभी शामिल हो और इसकी आगामी सूची के लिए तैयार करें, मतलब कि आगामी सूची के लिए आप तैयार करें। तो यहाँ पर जो कि है अपडेट है क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ से यह निकल कर आ रही है, जो कि मैंने आपको कोई अपने मन से नहीं बोल रहा है। यहाँ पर जो है सिर्फ यहाँ पर क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो यूनिट न्यूज़ की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है, वो मैंने आपको पूरा यहाँ पर सुनाया है। आप यहाँ पर देख सकते हो इनकी यहाँ पर टेलीग्राम वगैरह, यहाँ पर यूट्यूब हुआ, ट्विटर हुआ, टेलीग्राम हुआ, वेबसाइट हुआ CRU का, आप यहाँ से इनके बारे में यहाँ पर जान सकते हो। थैंक यू दोस्तों, तो अब अपन वीडियो के ऊपर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, तो अब अपन वीडियो के ऊपर समाप्त करते हैं।